हे गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बेचू वाराणसी की बात करें, कह सकते हैं कि इसको स्कूल एंट्रेंस टेस्ट सेट्स 2020 की बात करेंगे। बेसिकली सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल और सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल का एडमिशन होता है सेट्स एंट्रेंस एग्जाम से, कह सकते हैं, जो आपके बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बेचू वाराणसी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। अगर इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होने की बात करें तो आपकी 20 फरवरी 2020 से इसके फॉर्म स्टार्ट कर दिए हैं और इसकी लास्ट डेट जो रहने वाली फॉर्म वो आपके 21 मार्च 2020 तक आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर आपके फॉर्म में कोई भी त्रुटि हो जाती है, इरर हो जाता है या किसी भी प्रकार की गलती हो जाती है स्पेलिंग में, तो उसके सुधार की जो डेट आएगी, कह सकते हैं कि डेट ऑफ करेक्शन जो आने वाली है वो आपका 23 से लेकर 28 मार्च के बीच आ सकता है, जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके करेक्शन होता है तो आप एक बार रिचेक कर सकते हैं फॉर्म को। अब बात आती है फॉर्म को सबमिट करने के बाद इसके एडमिट कार्ड जारी करने की, कि एडमिट कार्ड कब तक आएंगे, तो एक एक्सपेक्टेड डेट आपका निकाल दिया गया है कि 11 अप्रैल 2020 के बाद से आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर www.bechuonline.in से आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और अब बात आती है इसके एडमिट कार्ड जारी होने के बाद एंट्रेंस एग्जाम की डेट सेट की बात करें, तो क्लास 11th आर्ट्स एंड कॉमर्स ग्रुप, कह सकते हैं कि आर्ट्स में एडमिशन लेना चाहते हैं या कॉमर्स ग्रुप में एडमिशन लेना चाहते हैं, इसके लिए आपको केवल एक ही पेपर देने होंगे जो आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसकी टाइमिंग आपके 2 घंटे की रहेगी। इसके पेपर का जो डेट की अगर हम बात करें तो 1 मई 2020 को पेपर कंडक्ट कराया जाएगा, जिसकी टाइमिंग रहने वाली सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक। आपको टाइमिंग से पहले 1 घंटे आपको सेंटर पर पहुंच जाना है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। बहुत सारे बच्चों का पेपर छूट गया था 2019 की अगर हम बात करें तो। नेक्स्ट 11th बायोलॉजी ग्रुप की बात करें तो इसका पेपर जो होगा 2 मई 2020 को कंडक्ट कराया जाएगा। और नेक्स्ट वन मैथमेटिक्स ग्रुप, सबसे ज़्यादा के फॉर्म मैथमेटिक्स ग्रुप और आर्ट्स ग्रुप में फिल कराए जाते हैं, बेसिकली कह सकते हैं। इसका जो एग्ज़ाम होगा आपका 4 मई 2020 को होगा, टाइमिंग आपकी सेम रहने वाली है सुबह 8 से 10 के बीच में। नेक्स्ट वन आता है क्लास 9 की बात करें तो इसका जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा 5 मई 2020 को कंडक्ट कराया जाएगा और इसकी टाइमिंग जो रहने वाली सेम रहने वाली कह सकते हैं, सुबह 8 से 10 के बीच में। और नेक्स्ट आता है और लास्ट है आपका क्लास 6 की, तो इसका जो एग्ज़ाम होगा आपका 6 मई 2020 को होगा, जिसकी टाइमिंग आपकी सेम रहने वाली है। बेसिकली अगर क्लासिक्स की बात करें तो इसका जो है कट ऑफ बहुत ही हाई जाता है, नियर अबाउट आपका 86-88% जाता है, 100 में से आपको 85% लाना पड़ेगा तब आपका सेंट्रल हिंदू स्कूल में एडमिशन हो सकता है। अब एग्जाम देने के बाद आपकी प्रोविजनल आंसर की जारी की जा सकती है, कह सकते हैं कि आंसर की जारी की जाती है, जिसकी डेट आपकी 18 मई 2020 को सेंट्रल हिंदू स्कूल के थ्रू आपकी, कह सकते हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी द्वारा जारी की जाएगी। आपका 18 मई को आंसर की इसका, उसके बाद आप मिलान कर लीजिएगा। इनके सबके क्वेश्चन आपके सही हैं, कह सकते हैं कि आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट सही किया है, बट आंसर की में किसी भी प्रकार के मिस्टेक्स हैं या कह सकते हैं कि त्रुटि है, तो उसके लिए आप चैलेंज कर सकते हैं। चैलेंज करने के लिए आपको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, जिसका आपको डेट रखा है कि 18 मई के बाद से 23 मई के बीच में आप रात में 8 बजे से पहले आप अप्लाई करके चैलेंज कर सकते हैं आंसर की को। देन उसके बाद फाइनल आंसर की जारी की जाएगी 26 मई 2020 को। और लास्ट वन आता आपका टेंटेटिव डेट दिया गया है कि रिजल्ट जारी करने की जो डेट है आपकी 5 जून 2020 को रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। 2019 की अगर हम बात करें तो 10 जून को रिजल्ट जारी करने का टेंटेटिव डेट था, जो 11 जून को रिजल्ट जारी किया गया था और इवनिंग में रिजल्ट आए हुए थे। 2019 की बात करें तो टेंटेटिव डेट सेट है, तो कह सकते हैं कि 5 जून को दिया है तो 5 जून को इवनिंग में भी आ सकता है या कह सकते हैं कि मिडनाइट में भी आ सकता है, तो इसके लिए आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप आंसर की को अच्छे से मिला सकते हैं तो उससे आपकी नियर अबाउट कट ऑफ आपकी पता चल जाएगी, अगर आप आंसर की को अच्छे से मिलान कर लेते हैं तो। बहुत सारे बच्चे जानते नहीं हैं कि रिजल्ट डिक्लेरेशन के बाद आपकी क्या प्रोसेस होती है एडमिशन की, तो मैं बताना चाहूँगा कि डेट ऑफ काउंसलिंग बेसिकली जारी कर दिया गया है। उसमें बेसिकली काउंसलिंग में आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या कह सकते हैं कि मार्क्स के अनुसार आपके एडमिशन प्रोसेस को फुलफिल किया जाता है। अगर हम बात करें क्लास सिक्स की, छठवीं की बात करें, तो इसकी जो काउंसलिंग डेट है आपकी 20 जून 2020 को काउंसलिंग कराया जाएगा या कह सकते हैं कि एडमिशन कराया जाएगा। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट सही पाए जाते हैं, मार्क्सशीट और जो भी आपके एंट्रेंस एग्जाम के डॉक्यूमेंट है बताए जाएंगे काउंसलिंग में, अगर वो आपके सही पाए जाती हैं तो उस हिसाब से आपका एडमिशन ऑन द स्पॉट सेंट्रल हिंदू स्कूल में करा दिया जाएगा। इसकी टाइमिंग सुबह 8 से 12 के बीच रहने वाली है। क्लास 9 की बात करें तो 22 जून 2020 को यह आपका काउंसलिंग कंडक्ट कराया जाएगा। अगर बात करें मैथमेटिक्स ग्रुप क्लास 11 की, तो 23 जून 2020 को ये कंडक्ट कराया जाएगा।
बायोलॉजी ग्रुप की बात करें तो 24 जून 2020 को कंडक्ट कराया जाएगा काउंसलिंग, और लास्ट वन आता है आपका आर्ट्स एंड कॉमर्स ग्रुप, जिसमें आपके कंबाइंड कह सकते हैं कि एडमिशन होता है, जिसकी काउंसलिंग रखी गई 25 जून 2020 को, जिसकी टाइमिंग आपकी सेम रहने वाली है, सुबह 8 से लेकर 12 के बीच। अब बात आती है पेड सीट की। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर ये पेड सीट होता क्या है, तो इसके रिगार्डिंग मैंने पहले ही वीडियो बना दिया है, प्लेलिस्ट में जाके उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। पेड सीट बेसिकली आपका सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल के लिए है, या आपके गर्ल्स कैंडिडेट के लिए नहीं। उसका रीज़न है कि नंबर ऑफ़ सीट जो है आपके गर्ल्स कैंडिडेट में बहुत ही कम है कंपेयर टू नंबर ऑफ सीट इन बॉयज़ स्कूल। तो इस रिगार्डिंग आप कह सकते हैं कि केवल आपकी पेड सीट पर एडमिशन सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल कमाख्या वाराणसी में होता है, जिसकी आपकी टाइमिंग रखी गई सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक, और इसकी जो डेट रखी गई है 26 जून 2020 में आपकी पेड सीट पर एडमिशन कराई जाएंगी। मैं बताना चाहूँगा कि पेड सीट में बेसिकली जैसे आपके मार्क्स सपोज कीजिए कि कट ऑफ जो है आपका वेटिंग लिस्ट में आप आते हैं, तो उस हिसाब से आपके वेटिंग लिस्ट वालों का मेन लिस्ट में एडमिशन हो जाता है। आपको कुछ पैसे की पे करने पड़ेंगे पेड सीट के लिए। अब बात आती है इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। कह सकते हैं कि अगर आप सेंट्रल हिंदू स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं तो क्या क्या प्रोसेस होता है, कैसे आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए। इसकी अगर हम बात करें तो क्लास सिक्स में आपकी जो एज होनी चाहिए 10 साल से लेकर 12 साल के बीच में अगर आप हैं तो सेंट्रल हिंदू स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं। आपका एज जो काउंट होगा 30 सितंबर 2020 से काउंट होगा, या कह सकते हैं कि आपका जो एज हो, डेट ऑफ बर्थ हो, वो आपके लाइस करने चाहिए 30/9/2008 से आपके 30/9/2010 के बीच आपके लाइस करने चाहिए, और आपको पांचवी कक्षा पास होनी चाहिए किसी भी रजिस्टर्ड स्कूल से कह सकते हैं। नेक्स्ट वन आता है आपका क्लास नाइन्थ की बात करें तो इसकी जो एज लिमिट रखी गई है 13 साल से लेकर 15 साल के बीच आपकी एज लाइस होनी चाहिए, और यह आपका बेसिकली काउंट किया जाएगा 30 सितंबर 2020 से, और कह सकते हैं कि आपका जो DOB हो वो आपका 30/9/2005 से 30/9/2007 के बीच लाइस करना चाहिए, और आप आठवीं कक्षा पास होनी चाहिए किसी भी रजिस्टर्ड स्कूल से कह सकते हैं। नेक्स्ट वन आता है आपका क्लास इलेवंथ की बात करें तो आप किसके लिए मैक्सिमम एज आपकी रखी गई 18 साल। अगर 18 साल से आप ऊपर हैं तो इसके लिए आप एलिजिबल नहीं हैं। आपका एज जो काउंट किया जाएगा 30 सितंबर 2020 से, और साथ ही साथ आप क्लास 10th पास होने चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड है यूनिवर्सिटी से कह सकते हैं। मैटर नहीं करता कि आप किसी भी बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर मैं यूपी बोर्ड से पढ़ाई कर रहा हूं तो मेरे इंग्लिश वीक है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर मैं CBSE बोर्ड से हूं तो मेरी हिंदी वीक है। तो इसके लिए कोई मैटर नहीं है, आप अच्छे से एंट्रेंस एग्जाम दीजिए, आपका सिलेक्शन 100% होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हैं, बिहार बोर्ड से, MP बोर्ड से, UP बोर्ड से, CBSE बोर्ड से, डजेंट मैटर। अब बात आती है कि अगर आप क्लास इलेवंथ में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में कितने परसेंट रहने चाहिए। अगर हम साइंस स्ट्रीम की बात करें, कह सकते हैं कि मैथमेटिक्स और बायोलॉजी ग्रुप की बात करें, तो आपको ओवरऑल जो परसेंट रहना चाहिए 60% रहना चाहिए, और साथ ही साथ आपके 50% मार्क्स मैथमेटिक्स, साइंस में, या कह सकते हैं बायोलॉजी में रहने चाहिए, जो आपका कंपलसरी है। अगर आप बात करें कॉमर्स ग्रुप की, तो आपको 55% ओवरऑल मार्क्स होना चाहिए बोर्ड एग्जामिनेशन में। और अगर हम आर्ट्स स्ट्रीम की बात करें तो क्लास 10th आपके पास आउट होने चाहिए, और रिजर्वेशन की बात करें, आरक्षण की बात करें, तो आपके STSC और OH कैंडिडेट के लिए, कह सकते हैं कि PH कैंडिडेट के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अगर आप OBC या कह सकते हैं AWS सेक्शन से बिलोंग करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का सेंट्रल हिंदू स्कूल में रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा, उसको एज ए जनरल कैंडिडेट की तरह ट्रीट किया जाएगा। अगर हम बात करें नंबर ऑफ़ सीटों की कि मिनिमम नंबर ऑफ अवेलेबल सीट कितने हैं, तो अगर हम बात करें सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल वाराणसी की, तो क्लास सिक्स के लिए 50 सीट अवेलेबल है, क्लास नाइन्थ के लिए 20 सीट्स है, और मैथमेटिक्स ग्रुप के लिए आपके 17 सीट है, क्लास इलेवंथ के लिए, क्लास इलेवंथ बायोलॉजी ग्रुप के लिए 16 सीट रखी गई हैं, और क्लास 11th आर्ट्स एंड कॉमर्स ग्रुप के लिए कह सकते हैं कि आर्ट्स के लिए 50 सीट और आपके कॉमर्स स्ट्रीम्स के लिए 25 सीट रखी गई है सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल में। अगर हम बात करें सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल की, तो आपके 90 सीट आपके क्लास सिक्स में रहने वाले हैं, 104 सीट जो है आपके क्लास नाइन्थ के लिए हैं, और मैथमेटिक्स ग्रुप के लिए आपके 38+50 कह सकते हैं कि 88 टोटल सीटें, जो आपके 50 पे स्टार बना हुआ है। इसका मतलब यह है कि 50 सीट जो है आपके रिजर्व कर दिए गए हैं, जो आपके सेट्स के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं, जिसमें आपके BHU एम्प्लॉय नहीं आएंगे। जी हाँ, अगर आप BHU एम्प्लॉय से बिलोंग करते हैं तो आपके 38 सीट पर केवल कम्प्लीट करना पड़ेगा, या 50 सीट पहले से आपके रिजर्व
रिजर्व कर दिए गए हैं एक्सटर्नल कैंडिडेट के लिए। अब बात आती है बायोलॉजी ग्रुप की, तो इसके लिए 25 सीट रखी गई हैं और आपके कॉमर्स ग्रुप के लिए केवल 13 सीट है और आर्ट्स स्ट्रीम्स के लिए केवल 12 सीट रखी गई हैं। नोट में कुछ चीज़ें बताई गई हैं क्लास 11 के लिए कि आपका 25% जो सीट आपका रिजर्व रहेगा क्लास 11 के लिए सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल में, जो आपके एक्सटर्नल कह सकते हैं कि स्कूल एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू रहने वाला है। आपकी 50 सीट जो आपके रिजर्व रहने वाले हैं, जिसमें से आपके 38 सीट जो रहेंगे वो आपके बीएचयू एम्प्लॉय और साथ ही साथ जो आपके सेट्स के थ्रू एडमिशन होगा उसके लिए रहेगा, और 50 सीटों पे आपके बीएचयू एम्प्लॉय का किसी भी प्रकार से एडमिशन नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट बात आती है कि आपकी 5 सीटें इस सेक्शन में क्लास 11th ग्रुप के लिए कह सकते हैं रखी जाएंगी पेड सीट के लिए, वो डिपेंड करता है उसके कट ऑफ पे या कह सकते हैं मेरिट लिस्ट के हिसाब से, जिसमें आपके मैथमेटिक्स के 20 सीट्स, बायोलॉजी के 10 सीट्स, कॉमर्स के 5 सीट्स और आर्ट्स ग्रुप के 5 सीट रहने वाले हैं। अगर बात करें पॉसिबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ सीट फॉर एक्सटर्नल कैंडिडेट इन बोथ द स्कूल इन एडिशन टू द एबव में इंक्रीज, बोला जा रहा है कि अगर आपकी सीटों की संख्या में भी इंक्रीज की जा सकती है, डिपेंड करता है कि आपका जो इंटरनल कैंडिडेट है उनका एडमिशन कैसे होता है। जैसे कि इंटरनल कैंडिडेट का भी एडमिशन क्लास 11th में कराया जाता है, वो डिपेंड करता है कि अगर नंबर ऑफ़ सीट रह जाती हैं तो उस हिसाब से सीटें इंक्रीज होने के चांसेस रहते हैं। टेंथ से टेस्ट सिलेबस की बात करें तो सिलेबस मैंने बहुत ही पहले अपलोड कर चुका है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप चेकआउट कर सकते हैं मेरे प्लेलिस्ट में, मैंने डिटेल में आपके सिलेबस बताएं कि किस पोर्शन से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। मैं बेसिकली एक ओवरव्यू बता दे रहा हूँ। क्लासिक्स की अगर हम बात करें तो क्लासिक्स में आपके क्लास 5 स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आने वाले हैं, जो बेसिकली आपके 100 क्वेश्चन कंसिस्ट करेंगे, जिसमें आपके इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस और जनरल साइंस या कह सकते हैं करेंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और क्लास 9th की अगर हम बात करें तो क्लास 9th में आपके भी 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो आपके इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस और जनरल साइंस से रहने वाले हैं। क्लास 8th स्टैंडर्ड के कह सकते हैं कि इसके लिए आप एनसीईआरटी और साइड बुक आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा, ये आप प्रीफर कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपकी प्रिपरेशन किस हिसाब से करें। अगर हम बात करें क्लास 11th मैथमेटिक्स और बायोलॉजी और कॉमर्स ग्रुप की बात करें तो क्लास 10th स्टैंडर्ड के आपके 100 एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनका नेचर आपका रहने वाला एमसीक्यू टाइप का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का, जो बेसिकली कह सकते हैं कि आपके 120 मिनट्स में आपको करने रहेंगे क्वेश्चन को। मैथमेटिक्स ग्रुप की बात करें तो ये इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड जनरल स्टडी से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इसमें आपके 10 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हिंदी की बात करें तो बेसिकली इसमें भी 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स मिला के टोटल 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जनरल स्टडीज और करेंट अफेयर से केवल आपके 5 क्वेश्चन आते हैं। मैथमेटिक्स के ग्रुप की बात करें, सेम इसी तरह बायोलॉजी ग्रुप का रहने वाला है, इसमें आपके इंग्लिश, हिंदी से मिला के आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से मिला के आपके 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जनरल स्टडी या कह सकते हैं करेंट अफेयर से मिला के आपका के 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात आती है कॉमर्स एंड आर्ट्स ग्रुप की, तो इसके लिए इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, जनरल मैथमेटिक्स से 5 क्वेश्चन आते हैं और जनरल स्टडी से भी 5 क्वेश्चन आते हैं। हिंदी इंग्लिश से आपके 10-10 क्वेश्चन आते हैं, और सारी चीज़ों से मिला के आपके टोटल 100 क्वेश्चन कंसिस्ट करने वाले हैं। अब बात आती है इसके रिजर्वेशन की, कह सकते हैं आरक्षण की बात करें तो मैं एक बात आपको क्लियर बताना चाहूँगा कि सेंट्रल हिंदू स्कूल में आपके लिए EWS कोटा कह सकते हैं कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन या OBC अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए किसी भी प्रकार का रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। 15% सीट जो रिजर्व रहेंगे शेड्यूल कास्ट के लिए रहेंगे, कह सकते हैं कि SC के लिए रहने वाली है, और 7.5% आपकी जो सीट रिजर्व रहेंगी आपके शेड्यूल ट्राइब्स कास्ट के लिए रहेंगी, कह सकते हैं कि STSC के लिए, और PH कह सकते हैं कि फिजिकल चैलेंज कैंडिडेट के लिए आपका रिजर्वेशन दिया जाता है। अगर आप BHU एम्प्लॉय से बिलोंग करते हैं तो आपको BHU एम्प्लॉय कोटा का भी रिजर्वेशन मिल सकता है। आप फॉर्म को ऑफिशियल वेबसाइट www.bhuonline.in से अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म को। अगर इसके हम एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें कि आपको एप्लीकेशन फ़ीस कितने पे करने पड़ेंगे, तो अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 200 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसके लिए आपको 400 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे, जो बेसिकली आपका एंट्रेंस एग्जाम का फीस रहने वाला है।
मैं एक बार फिर से दोहरा दे रहा हूँ कि इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्टिंग होने की डेट जो है 20 फरवरी 2020 से, और इसकी लास्ट डेट जो रखी गई 21 मार्च 2020 तक आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म को। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरी ऑफलाइन क्लासेस वाराणसी में चलती है, अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप करके अधिक जानकारी पा सकते हैं। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद, जय भारत।